हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ कब और क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, तो आप अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में, और ये नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपकी तरफ कब तक होगा। सारा फोकस मैं करूंगी नेक्स्ट एक्शन पे। तो जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कब और क्या होगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स। फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स का। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ज्यादातर वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के अगर नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो 5 नंबर की एनर्जी है जो चेंज को दिखा रही है। आपके रिश्ते में अगर बहुत ज्यादा एंशियस डिप्रेसिंग सिचुएशन चल रही है इस वक्त, बहुत ज्यादा दोनों के बीच में तनाव है, तो ऐसी किसी स्थिति में 3 days 3 weeks के अंदर चेंज आ सकता है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में जो टेंशन वाला पीरियड है वो एंड हो और आपके पर्सन आपको रीच आउट करें, आपके साथ अपने दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ये आपको मिस करेंगे आने वाले टाइम में, जो एक रीजन बनेगा आपकी लाइफ में वापस से एंट्री लेने का। एनर्जी में नाइट है तो हो सकता है कि ये आए, कुछ टाइम रुकें, और हो सकता है उसके बाद कि ये चले जाएं या ये ऑन एंड ऑफ करना चालू कर दें। ठीक है, क्योंकि किंग एनर्जी नहीं है ना, क्वीन की एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ मिसिंग एनर्जीज की वजह से इस टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे 3 days 3 weeks के अंदर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपके लाइफ में री एंटर कर सकते हैं। और ये री एंट्री करने का रीजन क्या है, आपसे बात करना, सबसे पहले तो आपसे कम्युनिकेट करना, आपके अपडेट्स लेना, आपको अपने अपडेट्स देना। मैं ऐसा बोल रही हूँ और मुझे 111 दिखाई दे रहा है, इंटरेस्टिंग, थैंक यू एंजल्स। ऐसा करने पे आपके पर्सन आपके बारे में कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, या आपकी लाइफ में झटके से आएंगे, एकदम से आपको अनब्लॉक कर दिया, फिर आपको मैसेज कर दिया, अचानक से आपको फोन घुमा दिया और आप ये सोच रहे थे कि यार ये तो पता नहीं क्या, मतलब सेम नंबर से भी ना होके अलग नंबर से कॉल आ सकता है, लेकिन ये आपसे आपके अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इनकी एनर्जी में ये फील करोगे कि ये जो पुरानी बातें हैं वो ये भूल गए हैं, इन्होंने भुलाया है पुरानी बातों को जिनको ये पकड़ कर बैठे थे, या ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पर आपकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई थी और ये आपको माफ़ नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपको माफ़ करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है कि इनकी इनका आपकी लाइफ में री एंटर करने का रीज़न ही है पुरानी बातों को भुला के आप दोनों के बीच में जगह बने, गुंजाइश बने, जिससे ये आपकी तरफ कोई भी एफर्ट ले पाए या इस रिश्ते को सक्सेसफुल कर पाए। ठीक है, ये एनर्जी है। आपके पर्सन जो इस सिचुएशन में फियर को फेस कर रहे थे, डर रहे थे आपको कमिटमेंट देने से, आपकी लाइफ में आने से, ये जो फियरफुल सिचुएशन है इसका अंत हो सकता है। ठीक है, और इसका अंत किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, डिवाइन के इंटरवेंशन से। इनके इमोशंस एकदम से उड़ेंगे आपकी तरफ, मतलब ये उड़ने का मतलब ये है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो ये डर की वजह से आपको रीच आउट नहीं कर रहे थे, आपके साथ यूनियन चाहने के लिए, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रू लव इनको इस लाइफ टाइम में आपकी वजह से मिला है, ऐसा जो सिचुएशन रहा है और इसके बीच में आ गया डर, इसके बीच में आ गई दूरियां, इनसिक्योरिटीज, घबराहट कि मैं कैसे करूँ, होगा या नहीं होगा, मैं कैसे जिम्मेदारी ले लूँ, अगर ऐसा सिचुएशन रहा और इन्होंने बैरियर्स लगाना शुरू कर दिया था, ऐसे किसी सिचुएशन में टावर मूवमेंट दिख रहा है इमोशंस के साथ, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे में थर्ड पार्टी की सफाई हो सकती है जो इनको इमोशनली ट्रॉमा देने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, ऐसे किसी व्यक्ति को ये रिलीज करें। बेसिकली इनका जो है वो स्पिरिचुअल असेंशन होगा हर्मिट सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए।
आपके साथ सेलिब्रेशन को अचीव करने के लिए, और ये वो पीरियड होगा आप दोनों के बीच में जो एक अच्छे समय की शुरुआत को लेकर आएगा आफ्टर सो मच नेगेटिविटी, आफ्टर सो मच एफर्ट्स। आपके रिश्ते में ऑटोमेटिकली ये चीजें होंगी जहां पे आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने पर्सन को। तो यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस, बड़े चेंजेस आने की वाइब्स है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का इंटरवेंशन टावर मोमेंट इन्वॉल्व दिख रहा है, ठीक है। और किसके लिए? सेलिब्रेशन के लिए, आपके साथ रीयूनियन को अचीव करने के लिए। अपने आप से ही जैसे कोई वो रास्ते का पत्थर ही हट जाए, ये जैसे कोई समय आ गया और अचानक से ऐसी कोई ट्रेजडी, ऐसा कोई सिचुएशन बना कि बोलते ना कि रिलीज हो गई, जब आपने चाहा तब नहीं हुई, लेकिन जब आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया तब ये चीजें हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे निकल के आया है कि ये इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ हो सकता है आपकी लाइफ में इन रिटर्न आने का। कुछ लोगों के पार्टनर शॉर्ट टाइम के लिए आ सकते हैं एंड कुछ लोगों के लाइफ में तो सेलिब्रेशन ही दिख रहा है। सोच समझ के आना, 10-10-10 की एनर्जी को, वाइब्रेशन को अचीव करना नेगेटिविटीज का अंत करते हुए, डिवाइन के इंटरवेंशन से इनकी अवेकनिंग, इनको क्लैरिटी मिलना, डर खत्म होना, और ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको टाइम फ्रेम, 3 days 3 weeks लग सकते हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ ये नेक्स्ट एक्शन लेने में, ये अगला कदम आपकी तरफ उठाने में, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।